अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये तो गलत बात है। हैप्पी क्रिसमस। अरे सामने, अरे हट जाओ यार, फिर से धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय लोग, आपके भक्त लोग, आपके जन्मदिन के अवसर पर इस आनंद को मनाना चाहते हैं, इस केक को काटना चाहते हैं। प्रभु जी इस केक पर आपके आशीषों ने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर केक जैसे हम सब सेल्फी ले लो साथ में। सर बताइए, आज यहाँ पर मेरी क्रिसमस मनाया गया है, क्या कुछ आयोजन हुए थे? यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, अंदर परमेश्वर की आराधना हुई और उसमें होकर हमने गीतों को गाया कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से, जो प्रभु यीशु मसीह थे उन्होंने प्रेम का संदेश हमारे जीवन के लिए लेकर आए हैं, हमारे उद्धार का संदेश लेकर आए हैं और उसके जन्मदिन को हमने मनाते हुए गीतों को गाया है, भजनों को सुना है और वचनों के द्वारा हमने आशीष को पाया है। ये पर्व जो है वो खुशियाँ बांटने का पर्व है, शांति बांटने का पर्व है, आनंद बांटने का पर्व है और प्रभु यीशु मसीह इस संदेश को हमारे बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं रेवरेंड जितेंद्र मान सिंह, विद द प्रेस पीटर इंचार्ज देवास चर्च प्रेस। क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या प्रभु से अलग चल रहे हैं, या प्रभु के साथ हम प्रभु की संगति में, प्रभु की महिमा में अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, या हेरोदेस राजा के समान हम अपने जीवन को प्रभु से अलग करके बढ़ रहे हैं। हम देखें, हम गया है और वो अपने क्रोध को व्यक्त किस प्रकार से कर रहा है कि दो साल से छोटे बच्चों को उसने मरवा डाला है। मेरे प्यारे क्रिसमस पे हमारा डिसीजन क्या है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा गरेडियों ने एक डिसीजन लिया है कि हम जाकर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। गरेडियों की प्रतिक्रिया ये थी कि हमने जैसा बताया गया है वैसा जाकर देखे, क्योंकि शुरू हो गया तनवीर, मुझ पर दया करो। इस भीषण ठंड में मेरी हड्डियां पिघल रही है, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। सुनाता आज दाऊद की नगर
बेथल बेथलहम में हमारे मुक्तिदाता, आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। सर बताएं, आज बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु का, भगवान यीशु का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ मान्यता है, कितने वर्षों से रीति रिवाज चला आ रहा है और क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें? 2023 वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसके अवसर पर हम लोग ये क्रिसमस या बड़ा दिन को मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक कुंवारी मरियम से जन्म लिया था और इस संसार का उद्धार करने के लिए आए थे और उन्होंने प्रेम और शांति का संदेश लोगों तक पहुंचाया और एक प्रेम की राह को खोला ताकि लोग एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, अपने सताने वालों से भी प्रेम करो। और उन्होंने जीवन, जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़े तब तक भी इसका पालन किया और क्रूस पर चढ़ने के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया और कहा है पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अभी कैसे कितने दिवसीय कार्यक्रम होता है किस्मत बड़े दिन का और क्या कुछ गतिविधियां होती हैं यहाँ पे चर्च में? बड़े दिन का कार्यक्रम लगभग 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। चर्च को सजाते हैं, अंदर बहुत खूबसूरत सजावट की गई है, जवान बच्चे आके करते हैं हमारे समाज के, और साथ ही साथ छोटी छोटी नाटिकाएँ प्रस्तुत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में। और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जैसे कैरोल सिंगिंग, घर घर जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश गीतों के माध्यम से देते हैं और लोगों तक ये संदेश पहुँचाते हैं। आज किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पे चर्च में किया गया? आज हमने सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना की सुबह 9 से 11 तक, और वहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को बांटा मसीह समाजजनों के साथ, और साथ ही साथ आराधना में गीतों का गाया, भजनों का गाया गए और वहाँ पर हमने परमेश्वर की महिमा की। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना कुछ चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि हमें सब प्रेम से रहना चाहिए, हमें शांति के साथ रहना चाहिए और हमें अपने देश, अपने सब लोगों के लिए प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। आपका परिचय? रेवरेंड जितेंद्र मानसिंह, द ग्रेस चर्च देवास, प्रेसबिटर इंचार्ज।